हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं इस कपड़े और लेस की हेल्प से लड्डू गोपाल जी की मसंद बनाने जा रही हूँ। आप मसंद या तकिया या फिर गिरदा जो भी बोलते हैं वो मैं बनाने वाली हूँ। तो उसके लिए मैंने यही कपड़ा लिया जिससे मैंने फ्रॉक और पगड़ी बनाई हुई है। और ये कुछ फोम है तो मैं यही इसके अंदर फिल करूंगी। आप चाहें तो कपड़े की कतरन भी फिल कर सकते हैं अंदर। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो। कपड़ा मैंने कट कर लिया है। इसकी लंबाई है 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 8 सेंटीमीटर और ये दो मैंने कट कर लिए हैं। और कपड़े को चौड़ाई की तरफ से मैं इस तरह हाफ हाफ फोल्ड करूंगी और एक सीधी सिलाई लगा लूंगी इसमें इस तरह से। ये देखिए यहाँ तक सिल लिया है मैंने, थोड़ा सा ऊपर छोड़ दिया है और नॉट लगा दूंगी। धागा कट कर दिया है और ये इस तरह का हो गया है। अब इसके बाद मैं इसमें थोड़ा थोड़ा सा इस तरह से प्लेट्स डाल के एक जगह पर इकट्ठा कर लूँगी। इसके बाद मैंने धागे में नॉट लगा ली है और जो हमने एक जगह पर इकट्ठा किया है कपड़ा उसको इस तरह से हर तरफ से घुमा घुमा के हमें टाँके लगा लेने हैं। खूब टाइट लगाएंगे ताकि एकदम गोल गोल सा बन जाए। आप अगर चाहो तो इसको लपेट भी सकते हो धागे से खूब टाइटली। तो मैं इस तरह से सिल लूँगी। और अब आप देख पा रहे हो मैं निडल डाल रही हूँ, ये इतना टाइट हो गया है कि इसमें जा नहीं रहा है अब। तो मैं यहीं पर नॉट लगा दूँगी, धागा फिक्स कर दूँगी। तो ये देखिए इस तरह का बन गया है ये। तो अब इसको सीधा कर लेना है, सीधा कर लूँगी मैं इस तरह से। इसको सीधा कर लेना है, अंदर का कपड़ा बाहर निकालते जाएंगे ये सीधा होता जाएगा। ये देखिए इस तरह का बन गया है अभी। और दोनों बना लिए हैं मैंने इसी तरह से। और इसके बाद अब मैं इसमें फिल करने के लिए ये स्पॉन्ज जो मैंने लिया था उसके मैं छोटे छोटे से पीस कर लूँगी। तो पीस कर लिए हैं मैंने सारे। अब मैं ये ले रही हूँ एक कवर और इसमें मैं फिल कर दूँगी। मैं ये पेन की हेल्प से इसको अंदर तक कर दूँगी फिलिंग ताकि एकदम किनारे तक पहुँच जाए। और ये देखिए जगह बन गई है इसमें और इसको खूब भर लेंगे, जितना भर सकते हैं उतना भर लेंगे इसको। ये देखिए मैंने खूब दबा दबा के फिल कर लिया है और अब मैं इसी तरह से दूसरा भी फिल कर लूँगी। तो दोनों फिल कर लिए हैं मैंने। और अब इसके बाद हमें निडल में धागा डाल लेना है और नॉट लगा देनी है। इसके बाद जो भरते टाइम मेरा कपड़ा अंदर की तरफ फोल्ड हो गया था, अगर नहीं होता है तो आप फिंगर की हेल्प से अंदर की तरफ कपड़ा फोल्ड करके इस तरह का बना लेंगे। और इसके बाद इसमें कच्ची सिलाई लगा लेंगे गोल गोल और अंदर फिलिंग दबाते जाएंगे थंब या फिंगर की हेल्प से। और इस तरह से बना लेना है, टाइट कर देना है धागा खींच के, उसके बाद नॉट लगा के और धागा कट कर देना है। ये देखिए एक रेडी हो गया है मेरा और इसी तरह से मैं ये दूसरा वाला भी रेडी कर लूँगी। और इसके बाद मैं ये लेस ले रही हूँ इसमें लगाने के लिए। तो जितनी इसकी चौड़ाई है यानी गोलाई जितनी है उतना मैं नाप के कट कर लूँगी लेस। तो ये देखिए नाप लिया है मैंने और इतनी मैं कट कर लूँगी। और उसके बाद इसको धागे से कच्ची सिलाई लगा देनी है एक साइड लंबाई में। तो ये कच्ची सिलाई लगा रही हूँ मैं। और इसके बाद धागे को खींच देना है तो ये ऊपर की तरफ इकट्ठा हो जाएगा। तो हाथ थोड़ा सा साइड जा रहा है, दिख नहीं रहा है ढंग से। और इसके बाद मैं इस तरह से रख दूँगी कैप की तरह, एक साइड मसंद के लगा देना है
और उसको गोलाई में सिल लेना है इस तरह से, नीचे की तरफ से गोलाई से मैं पूरा सिल दूंगी। तो पूरा सिल लिया है मैंने और इसके बाद मैं नॉट लगा दूंगी। नीडल को मैं ऊपर की तरफ निकाल लूंगी इस तरह से और यहाँ पर मैं धागा कट करूंगी। तो ये देखिए दोनों में लगा लिया है मैंने और दोनों बन गए हैं। मैंने एक ही तरफ लेस लगाई है और आप चाहें तो इसमें दोनों तरफ लेस लगा सकते हैं, इस साइड भी। इस तरह से मैं सिंहासन के अंदर दोनों साइड रख दूंगी और बीच में बैठेंगे लड्डू गोपाल जी फ्रॉक पहन के और पगड़ी लगा के बांसुरी पकड़ के। बांसुरी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए, वीडियो आज का कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, और लाइक कर दीजिएगा, वीडियो शेयर कर दीजिएगा अगर अच्छा लगा हो, और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए, मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय श्री कृष्णा।